for me. Even when I ran away, you're all अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और आज के व्लॉग में यार सबसे पहले तो जाना है हमें दो काम करवाने, और वो दो काम क्या है, सबसे पहले हम करवाएंगे पीछे से अपनी गाड़ी थोड़ी सी ड्रॉप, और साथ में करवाएंगे क्या करवाएंगे, स्टेयरिंग चेंज। तो जी स्टेयरिंग चेंज करवाना है। आपको पता है मैंने एक व्लॉग लास्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था स्टेयरिंग चेंज करवाना था, मैंने न्यू स्टेयरिंग लिया था और वो अभी तक वैसे के वैसे मेरी गाड़ी में पड़ा हुआ है। सबसे पहले तो जी करवाते हैं स्टेयरिंग चेंज, और साथ में पीछे से ना गाड़ी थोड़ी सी ड्रॉप करवानी है। प्रॉपर ड्रॉप इंशाल्लाह आएगी इसी हफ्ते कह लें, या बस थोड़ा सा इंतज़ार और, ठीक है, ऑल व्हील कैम्बर ड्रॉप ये वो सब होगा, तो बस थोड़ा सा उसके लिए आप वेट करें। अभी थोड़ी सी वैसे ड्रॉप करना चाह रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी लुक्स बेहतर हो जाएंगी पीछे से। पीछे से ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा उठी हुई है और आगे से थोड़ी सी कम है, तो सिर्फ इसी यही वजह है थोड़ी सी पीछे से ड्रॉप करवाने के लिए। तो बस जी टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं, और बाकी के सीन में आपको आकर दिखाता हूँ कि अब आगे कहाँ जाना है। सबसे पहले तो ये दो काम करवाएंगे और बाकी फिर आके करवाएंगे। तो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। और ऐसे सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और अच्छा लगता है यार जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ते हैं तो दिल से खुशी होती है। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। 80% ऑडियंस ने स्टिल मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आप लोग भी कर दो तो अच्छा लगेगा। वीडियो देखते ही हो यार तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, तो ज़रा यू नो। खैर जो भी, इंशाल्लाह व्लॉग्स आते रहेंगे, और बस स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेट्स गो। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और बस जल्दी से स्टेयरिंग चेंज करवाएं, थोड़ी सी गाड़ी पीछे से ड्रॉप करवाएं और यहां से निकलें। तो जी अल्लाह करे आज इसकी चूड़ियाँ घूम जाए, पहले ही हर दफा जब भी खोलते हैं ये जैम होती हैं। हमने मेरे ख्याल से 11 को मार लिया, और 11 करके नीचे देखते हैं क्या हिसाब है, और उम्मीद तो है जितने मुझे चाहिए उतनी अब हो जाएगी। ये जी इसको ज़रा जंग शंग लग जाता है तो ये बुरी लगती है रिम के पीछे से, इसको हम मार देते थोड़ा सा पेंट ब्लैक में, तो ये ज़रा साफ़ हो जाएगी, और गाड़ी साफ ही होनी चाहिए हर तरह से। तो लेट्स गो। One hour later. तो जी गाड़ी पीछे से तो ड्रॉप हो चुकी है हमारी, और अब ये स्टेयरिंग जैसे कि आप लोगों ने काफ़ी दिन पहले देखा था, तो अब इसको करना ज़रूरी है। और ये वाला उतारें, ये वाला लगवाएं, इतने दिन से यार इतना टाइम नहीं मुझे मिल रहा था कि मैं ये स्टेयरिंग लगवाऊं, अब भी मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है। सामान लिया है? ओके करो सर, जल्दी जल्दी ज़रा लगा दो इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ। Could wait a thousand.
तो जी न्यू स्टेयरिंग हमारा इंस्टॉल हो चुका है, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी साफ भी हैं। तो उसके मुताबिक मतलब वो थोड़ा सा कह लें 10x9.5 था, ये 10x9 था और ये 9.5 या 9.8 है, इस तरह कह सकते हैं आप जी। तो काम शाम हमारे हो चुके हैं सारे कंप्लीट, मतलब जो वर्कशॉप पे थे मुझे, तो बस ये हॉर्न रहता है, हॉर्न नहीं चल रहा था, वो कोई वायरिंग का थोड़ा सा इशू था, वो करने वाली थी। तो मैंने कहा यार मैं क्लास से लेट हो रहा हूँ, क्लास पहले अटेंड कर लूँ तो फिर इंशाल्लाह फ्री होके ये करवाते हैं वापसी पे। और गाड़ी पीछे से माशाल्लाह ड्रॉप होगी और काफ़ी प्यारी भी लग रही है बाहर से, ओवरऑल देखने में लोग यार वीडियोज़ में वो फील ही नहीं आती जो गाड़ी की लाइफ देखने में आती है ना, वीडियोज़ में जब डेड हो ना गाड़ी तब ही प्यारी लगती होती है। और वैसे अगर ओवरऑल चलते हुए लुक्स देखो या बाहर से वैसे दूर से देखो ना तो बहुत प्यारी माशाल्लाह लुक दे रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस यही सीन थे। और फिलहाल जी मुझे अब सबसे पहले जाना है क्लास लेने, अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीक से मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रही है, और बस ये यूनिवर्सिटी कल भी यूनिवर्सिटी क्लास लेने गया हुआ था। कल भी मेरा मूड था व्लॉग करने का लेकिन बस फिर टाइम नहीं मिला, कल मैं आउट ऑफ सिटी से सुबह वापस आया हूँ और आते साथ मैं चला गया यूनिवर्सिटी। तो बस यही सीन चल रहे हैं अभी तो, यूनिवर्सिटी घर ये वो, खैर जो भी इंशाल्लाह। बस जी जाते हैं सबसे पहले क्लास लेते हैं, उसके बाद वापसी 5 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा, 4-5 बजे तक, तो फिर इंशाल्लाह निकलते हैं कहीं पे। तो बाकी के सीन मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी ब्लॉग कंटिन्यू ही करेंगे, थोड़ा सा रात को एंड करेंगे। तो अभी जी चलें सबसे पहले यूनिवर्सिटी, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और गर्मी इससे ज़्यादा है, इतनी गर्मी यार, इतनी गर्मी, ये बिलीव मी यार ये जून जुलाई बना हुआ है, ठीक है पता नहीं क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, टी शर्ट में भी मुझे गर्मी लग रही है। खैर मिलते हैं आपसे वापसी पे, रास्ता एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो सबसे पहले तो सॉरी, आप लोगों के लिए तो शायद ये 10 सेकंड्स होंगे लेकिन मेरे लिए काफ़ी लंबा टाइम था, मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हो गया, व्लॉग कंटिन्यू करना था लेकिन मैं नहीं कर पाया, और आई थिंक मैं 5-6 दिन नहीं कर पाया। तो लेकिन आज हम वापस आ चुके हैं, आज मेरे में आपको काफ़ी चेंज भी फील हो रहा था क्योंकि उस वक्त मेरे बाल भी इवन छोटे थे और आज मेरे बाल भी बड़े हो गए हैं, तो काफ़ी टाइम गुजर गए हैं उसके लिए सॉरी, व्लॉग अपलोड भी नहीं इसलिए हो पाया, आई थिंक 4 या 5 दिन हो गए हैं, लास्ट वेडनेसडे को मैंने व्लॉग बनाया था और आज है सैटरडे। तो खैर जो भी जी इस बात को छोड़ें, अब यूनिवर्सिटी लाइफ स्टार्ट हो गई है, ये तो थोड़ा सा होगा व्लॉग की थोड़ी स्पीड कम होगी क्योंकि सारा दिन यूनिवर्सिटी में गुजर जाता है, और अभी भी मैं यूनिवर्सिटी से आया और मैं सीधा गाड़ी निकाल ली और मैंने कहा चलो यार व्लॉग कंटिन्यू करें। अच्छा तो सीन ये है कि आज जी हमने जाना है रात को सैटरडे नाइट मीट पे, तो उसके लिए अभी मैंने निकाली है गाड़ी, थोड़ी सी रेडी करते हैं, थोड़ी सी साफ शाफ करवाते हैं, और मैंने एक अपना पुराना व्लॉग थोड़ा सा यहाँ पे अपना ख़त्म करूँ, तो बस इसी का इंतज़ार है। तो बस निकलते हैं अब यहाँ से, गाड़ी गोल्डी मेरे पास है और बहुत इस टाइम गंदी हालत में है, इसको थोड़ा सा फ्रेश कपड़ा भी मारते हैं, साफ शाफ करते हैं, चमकाते हैं, धोने धुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वॉश की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ कपड़े की ज़रूरत है, कपड़ा मारते हैं, टायर्स हम साफ़ करते हैं, पॉलिश मारते हैं, और तो गाड़ी एकदम चमक जाएगी। तो बस आज का व्लॉग थोड़ा छोटा ही होगा इसलिए एंजॉय करें जैसा भी है, व्लॉग अपलोड करना है, बस चलें जी वर्कशॉप चलते हैं, छोटा सा काम है, स्टेयरिंग लगवाया था उसका हॉर्न नहीं चल रहा, हॉर्न चलवाते हैं, और मैं भी आगे से गाड़ी थोड़ी सी ड्रॉप करूँ मज़ीद, पिछले व्लॉग में मैंने मतलब इसी व्लॉग में मैंने बैक से थोड़ी सी ड्रॉप की थी, अब आगे से भी करते हैं। तो बगैर किसी देर के चलें वर्कशॉप चलते हैं। ये देखें जी ये रही हमारी गोल्डी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, पहले से थोड़ी सी बैक से ड्रॉप हो गई हैं तो अब मज़ीद बेहतर लुक्स आ रही हैं, और थोड़ी सी गंदी है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है गाड़ी पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चेक कर। तो ये देखें जी आप मुझे जब कहते हैं ना कि ड्रॉप करें ड्रॉप करें ड्रॉप करें, तो ये इशू है जिसकी वजह से मैं गाड़ी ड्रॉप नहीं करता, ये देख रहे हैं इतनी साफ सुथरी मेरी गाड़ी और सारी किट मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये जब बम्पर पेंट कराने की ज़रूरत होगी तब भी कराएंगे, अभी इसको मेरे पास कलमें पड़ी हैं वो लगाते हैं और थोड़ा बेहतर करते हैं। शर्मा क्यों रहे हो फिर? ये जी भाई मिलने आए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है ठीक है। तो जी ये हमारे साथ एक वेले भाई, एज़ यूजुअल आपने इनको पहले भी देखा होगा,
ये इनको कोई काम वाम होता नहीं है, ठीक है, और ये सिर्फ पूछते रहते हैं कि कहाँ हो कहाँ हो, और ये दोबारा से आ चुके हैं हमारे साथ। रात को चल रहे हो भाई मीटअप पे? जरूर। ये देखा वेला बंदा, जैसे ही कहो साथ ही जरूर। बस जी आ गए हैं तकरीबन वर्कशॉप हम लोग, और बस वर्कशॉप जाते हैं, गाड़ी का हॉर्न चलवाते हैं, ये देखें बिल्कुल नहीं चल रहा, और बाकी फिर आगे से थोड़ी सी ड्रॉप जाके मैं सोचता हूँ, अभी कंफर्म नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरी किट बहुत डैमेज हो चुकी है, तो या तो फिर करवा देते हैं या फिर नहीं कराते, देखते हैं जाके। तो सबसे पहले जी चलें वर्कशॉप। तो फाइनली जी हमारी गाड़ी हो चुकी है रेडी मीट के लिए, और जिसके लिए शाम से मेरी तैयारी चल रही थी। पहले गाड़ी ड्रॉप करवाई, हॉर्न नॉक के करवाया, देन मैंने घर आके गाड़ी साफ की, बहुत मेहनत लगी, कुछ 3 घंटे मेरे पिछले गाड़ी पे गुजरे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी एवन हो गई है। और अभी मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, वो आप मेरी गाड़ी नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे मीटअप के व्लॉग पर। तो बस अब जी 10 बज चुके हैं और उसी की तैयारी है, तो बस निकलने लगे हैं। इस व्लॉग में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फिर अगले के लिए भी तो कुछ रखना है, तो बस जी बगैर देर के निकलते हैं मीट के लिए, मैं और आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो तब तक रखिए जी आप अपना ख्याल, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। और बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताया करें। तो बस मिलेंगे जी आपसे अगले व्लॉग में, तो और तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हो सके तो भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ कहीं पे लिखा हुआ भी आ जाएगा। और बस जी मैं ये फ्रेश फ्रेश कॉर्नेटो खा रहा हूँ, गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, बस ये खाते हैं और फिर निकलते हैं। बाय बाय।